नमस्कार सभी लोगों को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश 100 मार्क्स बिहार बोर्ड 12th क्लास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हर टॉपिक से है, आर्टिकल्स हो गया, नाउन हो गया, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स। तो एक ही क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्वेश्चन के बाद, आपका समय भी बचेगा और जितना से जितना अधिक हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, बढ़िया से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स की। आपके एग्जाम का पहला ही क्वेश्चन आपका आर्टिकल्स से होगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, तो सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला आपका है कि होली इज डैश इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, तो यहाँ पे क्या फील होगा? तो देखिए, इम्पॉर्टेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या से हो रहा है? स्वर वर्ण से हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन। और ये आया है 2021 इंटरमीडिएट ऑफ साइंस से, ठीक है? तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा? एन, ठीक है। दूसरा, यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी, तो देखिए डिक्शनरी के पहले कौन सा आर्टिकल होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, 2021 में ये भी आया है। तीसरा है कि रेशम स्पीक्स डैश चाइनीज, तो देखिए यहाँ पे नो आर्टिकल आपका हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल आपका नहीं होगा, क्योंकि देखिए भाषाओं के नाम के पहले द तो भैया यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है? तो ये आपका हो गया लैंग्वेज, तो चाइनीज के पहले नो आर्टिकल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। अब देखिए कह रहे कि भैया मुझे केक दो जो टेबल पर रखा हुआ है, यानी कि वो निश्चित है, इसलिए आर्टिकल क्या हो जाएगा? द, ये 2020 में आपका आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, हैव यू सीन डैश ताजमहल, तो यहाँ ताजमहल के पहले आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे, यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, तो आंसर आपका डेफिनेट है कि हो जाएगा क्या? द। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर के पहले क्या होगा? आर्टिकल एन होगा, यहाँ पे एन होगा। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इसीलिए बेहद ही सावधानी से पढ़िएगा लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टूडे, तो ये क्वेश्चन आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल द, द रिसेप्शन टूडे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर, ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डैश पैसिफिक ओशियन, अब यहाँ पे देखिए ये तो भैया प्रशांत महासागर की बात हो रही है ना, तो महासागरों के पहले आर्टिकल द जरूर लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, स्विच ऑफ डैश लाइट, तो ये तो आपको बिल्कुल मालूम होगा, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, यानी कि बत्ती को क्या करो? बुझा दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नाउन, देखिए नाउन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 अंक के पूछे जाते हैं, तो यदि आपने नाउन की तैयारी नहीं किया होगा तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो ऑड का मतलब होता है सबसे अलग, ठीक है, जो मतलब सबसे भिन्न हो। अब समझते हैं, कार, स्टीमर, सीप, केटल, केटल मीन्स केतली होता है, तो क्या लग रहा है आपको? बढ़िया से समझिएगा, कार, स्टीमर, सीप, देखिए ये सब तो एक है भाई, और यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा केतली, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीट, पैडी, बार्ली, मस्टर्ड, वीट मीन्स गेहूं, पैडी मीन्स धान, बार्ली मीन्स जौ, और मस्टर्ड मीन्स सरसों, तो ये देखिए 2022 इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में पूछा हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मस्टर्ड। तीसरा, फॉक्स, लियोपार्ड, पीजन, लायन, तो भैया ये तीनों तो क्या है? ये तीनों देखिए यहाँ पे फॉक्स, लियोपार्ड और लायन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पीजन, पीजन मीन्स कबूतर जो कि बर्ड है। आई बैंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर टू टी ओ डब्ल्यू, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, टी ओ ई, ठीक है ना, यू था पैर का अंगूठा। अब देखिए सर, यहाँ पे प्रोनाउन से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डबल स्टार कर लीजिएगा, सी हॉट एच यू आर टी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हर सेल्फ, देखिए आई का होता है माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और योर सेल्फ दो होता है, ही का होता है हिम सेल्फ,
तो सी का भैया हर सेल्फ, ईट का ईट सेल्फ और दे का देम सेल्फ, ये सभी क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। रश्मि हैज हॉट डैश, तो देखिए यहाँ पे रश्मि फिर लड़की हो गई तो क्या आंसर हो जाएगा, हर सेल्फ। फिर रौनक है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक ईट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड, यहाँ पे हो जाएगा माई टीचर टू चेक ईट, बेहद ही आसान है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है सबका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आपका है सर सिंटेक्स एडजेक्टिव एडवर्ब और क्वेश्चन टैग्स से। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वुड यू माइंड, ठीक है, डैश द डोर, वुड यू माइंड सर, जैसे ही दिखे V4 पे चले जाइएगा। और ये क्वेश्चन सर अब सबका सब तो प्रीवियस पेपर है, अब कौन सा सर हम बताएं इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, बेहद ही खास क्वेश्चंस। राइट आंसर आपका हो जाएगा सटिंग, SHUTTING। वुड यू माइंड जैसे ही दिखे ना मेरे दोस्त V4 ऑप्शन को लूट लेना है। ही वेंट ऑन, अब देखिए ये ऑन के बाद जब भी वर्ब, जब भी देखिए प्रीपोजिशन के बाद जब भी आपका मेन वर्ब आएगा ना, तो वो V4 में होता है, ये नोट कर लीजिए। प्रीपोजिशन के बाद मेन वर्ब, अब मेन वर्ब नहीं समझ रहे हैं सर तो समझिए, ईट, खाना पीना, रोना, हंसना, जीना, मरना, ये सब मेन वर्ब होता है। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो वो क्या आता है, V4 मेरे दोस्त। ठीक है, नोट कर लेना लोग भैया बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है द समन्स, देखिए यहाँ पे द समन्स देख के बच्चे आर कर देंगे, भैया गलत हो जाएगा। इज समन्स जो है ना वो सिंगुलर नाउन है सर, तो सिंगुलर वर्ब ही होता है इज, देखने से लगता है प्लूरल, इसलिए सर ग्रामर थोड़ा बेहद ही सावधानी से पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही डैश ए थीप लास्ट नाइट, देखिए लास्ट नाइट भैया दिखा ना, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस क्रिया का दूसरा रूप, तो सॉ हो जाएगा SAW। पांचवा सर आपका है ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉर विडन, तो आंसर आपका हो जाएगा वर, यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ऑल कमिंग एंड गोइंग की बात हो रही, ऑल ध्यान रखिएगा ये ऑल है जो प्लूरल है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर। छठा प्रश्न है डैश यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल अनलेस, यहाँ पे देखिए एक अनटिल होता है एक अनलेस होता है, क्या डिफरेंस है बढ़िया से समझिएगा। अनटिल अनलेस दोनों का हिंदी होता है जब तक नहीं, अनटिल कहता है समय के लिए और अनलेस होगा शर्त के लिए, पहले कॉपी है तो नोट कीजिए, अनटिल समय के लिए, अनलेस शर्त के लिए, और ये दोनों नेगेटिव वर्ड है। अगर एक वाक्य में देखिए अनटिल और अनलेस के बाद कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है, मैं बाद में आपको कह रहा हूँ अनटिल और अनलेस के बाद, उसके पहले हो सकता है नॉट, लेकिन अनटिल अनलेस के बाद कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे सर कंडीशन की बात हो रही है इसलिए अनलेस का यूज हुआ, क्योंकि इसमें सर कहीं भी समय का जिक्र नहीं है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड आई थिंक द अपार्टमेंट इज डैश ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली इज द राइट आंसर, बेहद ही सुंदर है सर, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा एक्सट्रीमली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंस, फॉर और सिंस से क्वेश्चन सर आपके पूछे जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, कॉपी पेन है तो भैया नोट कर लीजिएगा। देखिए घड़ी कैलेंडर, नोट कीजिएगा घड़ी कैलेंडर, दिनों के भाग, ठीक है, और जीवन की अवस्था, ये चार स्टेप में आपका सिंस का यूज होता है। फिर से सुनिएगा घड़ी, अब घड़ी में क्या क्या होता है, AM PM ओ क्लॉक जो भी होगा ना सर उसमें सिंस लगा दीजिएगा। दिनों के भाग, सुबह दोपहर शाम रात आधी रात भू चुड़ैल का टाइम जो भी हो सर उसमें सिंस लगा दीजिएगा। जीवन की अवस्था, बचपन बुढ़ापा यंग, ये समय सिंस लगा देना है आपको, तो सिंस और बच गया सर फॉर, तो ए मेनी, ठीक है, तो जो 1 2 3 होंगे ना सर वहाँ पे फॉर ले लीजिएगा, और सिंस तो आप समझ गए घड़ी कैलेंडर जीवन की अवस्था, तो ये समय आपको सिंस लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आई एम नॉट क्लेवर, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नॉट लगा है तो हो जाएगा सर एम आई। क्वेश्चन टैग बनाते समय मेन वर्ब का यूज़ कभी नहीं कीजिएगा, और आपको नाउन नहीं लेना है, हमेशा प्रोनाउन के यूज़ करना है, और आई एम क्लेवर रहता तो इसका आंसर क्या होता कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। सिनोनियम्स एंटोनियम्स की, ये तो सर मैंने कितना तैयारी आपको कराया है फिर भी सर चलते हैं। परफ्यूम, परफ्यूम का क्या हो जाएगा सिनोनियम, सबका सेंट हो जाएगा, सेंट में सुगंध,
2022 इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स वीडियो को सर जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। ऐसा वीडियो सर आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा कि प्रीवियस पेपर में सर आपका बिना समय सर बर्बाद किए हुए और डायरेक्ट आंसर के साथ आपको बताया जा रहा है सर, तो थोड़ी सी तो सर आपका भी है ना भाई कि चलो भाई वीडियो को ज़रूर शेयर कर देते हैं। मेलोडियस सर, मेलोडियस मिस होता है मधुर, म्यूजिकल हो जाएगा इसका सिनोनियम्स। चेंज, चेंज का हो जाएगा क्या, बदलना, सिनोनियम्स पर्यायवाची शब्द होता है ना, चेंज का हो जाएगा अल्टर। वैकेंट, वैकेंट का हो जाएगा एम्पटी, खाली। थीन मिस होता है दुबला, स्लिम मिस भी हो जाएगा दुबला। और अगला क्वेश्चन आपका है सर पार्डन, पार्डन मिस होता है क्षमा, फॉरगिव मिस भी क्षमा होता है, ठीक है। परसू मिस आगे बढ़ाना भाई, और टेक भी वही होता है सर, ठीक है। रेप्रीमेंड मिस होता है सर डांटना, रिब्यूक मिस भी होता है डांटना। तो ये सिनोनियम्स की सर प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा, 8 मैंने आपको बताया है। और इस बार के क्वेश्चन में पूछे जाने की बेहद ही संभावना है। और अब बात करते हैं एंटोनियम्स की, तो एंटोनियम्स मिस क्या होता है सर, विलोम शब्द होता है, मॉडर्न का हो जाएगा एनिशियंट, बिल्कुल आपको मालूम है। अगर मालूम है सर तो बटन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। गिल्टी मिस होता है दोषी, इनोसेंट इसका एंटोनियम्स है। ओपन मीन्स खोलना, क्लोज मीन्स बंद करना, ओपन मीन्स खोलना, क्लोज मीन्स बंद करना। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक होता है, और आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम होता है। हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, हैप्पी मीन्स होता है खुश। सैड मीन्स क्या होता है सर, उदास। अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक, रिपल्सिव मीन्स होता है प्रतिकारक। तो मॉडर्न का क्या होता है एनिशियंट, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। गिल्टी का क्या हो जाएगा इनोसेंट, ओपन का हो जाएगा क्लोज, नेचुरल का हो जाएगा आर्टिफिशियल, हैप्पी का हो जाएगा सैड, अट्रैक्टिव का हो जाएगा रिपल्सिव। जरूर प्रैक्टिस कर लिए आप। चलिए अब सिनोनियम्स की भी प्रैक्टिस करते हैं। परफ्यूम का क्या हो जाएगा सेंट, ठीक है। मेलोडियस का हो जाएगा म्यूजिकल, चेंज का हो जाएगा अल्टर, वैकेंट का हो जाएगा एम्पटी, थीन मिस दुबला, स्लिम मिस दुबला, पार्डन का हो जाएगा फॉरगिव, ठीक है। परसू का हो जाएगा टेक, और रेप्रीमेंड का हो जाएगा रिब्यूक। तो ये आप प्रैक्टिस सर कर लीजिएगा बढ़िया से। देखिए जितना भी मैंने आपको बताया है, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, सिंटैक्स, एडजेक्टिव्स, बेहद ही खास क्वेश्चंस है सर और आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, प्रीवियस पेपर का एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और वीडियो को सर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।